हे गाइस, गाइस शिवम हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कार्स लाइफ। तो आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सीरियस टॉपिक है, यानी कि जो मैटर है वो उदयपुर का मैटर है। विशाल पंचोली भाई हैं उदयपुर के, उनने अभी अभी हाल ही में MG हेक्टर परचेज की थी और कुछ किलोमीटर यानी कि 2000 किलोमीटर रन से पहले उनकी गाड़ी में क्लच प्लेट का इशू आ रहा था। गाड़ी की क्लच प्लेट जो है बार बार काम करना बंद कर रही थी और एक टाइम पर तो उनकी गाड़ी आगे से बोनट में से धुआं भी दे गई थी, स्मोक प्रोड्यूस कर गई थी, जिनको उनको काफ़ी सीरियस मैटर लगा। तो उनने कंपनी में जाके बात करी, कंपनी वालों से ने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे क्लच प्लेट दिक्कत दे रही है। तो कंपनी वालों ने उनको अच्छा रिप्लाई नहीं दिया। कंपनी वालों ने बोला सर आपकी गाड़ी जो है वो सेकेंड गियर पर ज़्यादा ही RPM पर चला दी गई है और इसकी वजह से आपकी गाड़ी क्लच प्लेट वो ख़राब हो गई है, क्लच प्लेट जल चुकी है, तो आपको न्यू क्लच प्लेट अपग्रेड करवानी पड़ेगी। तो उन्होंने बताया कि मैंने अभी अभी तो गाड़ी परचेस करी है, इतनी जल्दी क्लच प्लेट का इशू कैसे आ सकता है। तो MG हेक्टर की कंपनी वालों ने, सर्विस वालों ने कोई उनको रिप्लाई नहीं दिया। उनको बताया सर आपको क्लच प्लेट डलानी होगी, डलानी है तो जलाइए, नहीं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको काफ़ी इशू झेलने पड़े और आगे चलने के बाद, गाड़ी चलाने के बाद उनको काफ़ी दिक्कतें आई, गाड़ी इनकी काफ़ी ड्राइविंग काफ़ी ख़राब हो गई और उनको यह करना पड़ गया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख रहे हैं आपकी विशाल पंचोली भाई को अपनी गाड़ी गधे से खिंचवानी पड़ रही है, गधे से खिंचवानी पड़ी और इनको ये एक्शन लेना पड़ा MG हेक्टर के अगेंस्ट, क्योंकि इनको सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं करी गई, कंपनी ने इनको अच्छे से डील नहीं किया इस मैटर में और इनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, इसलिए इनको गाड़ी खिंचवानी पड़ी। और जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो विशाल पंचोली भाई ने जवाब दिया, वो आप देख सकते हैं। कंपनी मुझे बोला था कि ट्रैफिक के अंदर आपने सेकंड गियर में चलाई होगी, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। इस टाइम मैंने सेकंड गियर में नहीं चलाई थी, मेरी गाड़ी फिफ्थ गियर में चल रही थी और ट्रैफिक भी ऐसा था नहीं, इस वजह से मैंने उनको बता रहे थे। जबरदस्ती कंपनी ने क्लेम कर दिया कि सर आपने मेरे पास जबरदस्ती मतलब एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, आपने सेकंड गियर में चलाई है, बकाया उस टाइम सारे CCTV के रिकॉर्ड वगैरह सारे भरे हुए हैं, मेरी गाड़ी सेकंड गियर में नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि कंपनी का टेक्निकल फॉल्ट होगा, उस वजह से मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं गाड़ी देके आया। फिर सेकंड टाइम मैंने गाड़ी 150 किलोमीटर भी रन नहीं की है, वापस ऑन द वे रनिंग गाड़ी के मेरे इंजन में से धुआं निकल गया, मेरी फैमिली बैठी हुई थी डिस्टर्ब हुई। और जब मैंने उनको बताया कंपनी वालों को सेकंड टाइम भी धुआं निकल गया, सर इस तरह से बार बार मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, 150 किलोमीटर गाड़ी मैंने नहीं चलाई है और कल के कुछ मिस अपनिंग मेरे साथ है, मेरी फैमिली साथ उसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, उसकी जिम्मेदारी कंपनी की है। तो कंपनी बोलती है कि मिस अपनिंग में हम क्या कर सकते हैं, हो सकती है उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा सर इसी गाड़ी को चलाने का मतलब क्या, मेरी गाड़ी गुस्सी मेडल के मेरी गाड़ी चलाऊँ और इसका पैसा लगाने का मतलब क्या रहा। कंपनी ने बार बार मुझे पैसे बना दिया, अभी मैंने वहाँ शोरूम से गाड़ी निकाली, कंपनी वालों ने पुलिस वालों को बोला मुझे झगड़ा करना है, तो बल्कि झगड़ा करनी नहीं है, कंपनी वालों उल्टी मुझे धमकाया था कि आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। तो सर जब कंपनी बोल रही है कि इंसानों के लिए, जब मैंने बोला कि मेरे साथ कुछ नहीं हो जाती है लाइबिलिटी की, उसमें हम क्या कर सकते, हो जाए कंपनी वालों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि हो सकती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मतलब ये वहाँ इंसानों के लिए जानवरों के लिए गाड़ी है कंपनी, ये कहना। गाइस देखा आपने क्या क्या झेलना पड़ा पंचोली भाई को MG हेक्टर परचेस करने के बाद। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, इन लोगों ये जैसा कि पंचोली भाई बता रहे हैं, इनको कंपनी ने धमकी तक दी थी, अगर इनने गाड़ी के बारे में कुछ भी किसी को गलत करा तो ये कंपनी को इनको मारने की धमकी दी थी जैसा उन्होंने आपको बताया। और गाइज़ मैं आपको बता दूं, प्लीज़
इसको सीरियस मत लेना, यानी कि मतलब जो एमजी एक्टर ले चुके हैं वो उसको ज़्यादा सीरियस ना लें। गाइस कुछ इशू कार मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आ जाते हैं, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसकी वजह से जो कस्टमर को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। लेकिन विशाल पंचोलिया का थोड़ा मैटर सीरियस था, ये बात हम मानते हैं कि कंपनी ने उनको अच्छे से डील नहीं किया। ये बात तो है कि कंपनियों का उनको अच्छे से डील करती, अगर उनको सर्विस दे देती नई क्लच की तो इनको ये सब नहीं करना पड़ता। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और कार नॉलेज की वीडियोस में आप तक पहुंचाता रहूं। तो थैंक यू एंड गुड बाय गाइस।